आ रहे अभी आवाज? हेलो यस हेलो, सर, यस आ रहे अभी आवाज? सर, हाँ सर, अभी आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट वाले के लिए लिखेंगे तो 1/f1v1 - 1/∞ - लिखेंगे तो यह आएगा। वैसे सेकंड वाले के लिए तो μ2 - 1 होगा। यहाँ पे रेडियस ऐसा है सरफेस, ठीक है, लेट से इधर से ही रेज आ रहा है तो R1 R2 दोनों निगेटिव है, यहाँ से लिखेंगे 1/-r - 1/-, दोनों मिलकर हमको दिख रहा है कि 0 है। जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वेरी गुड सर, माइनस बाई आर प्लस 1/r। हेलो, यस सर, ठीक है। तो वैसे ही थर्ड वाले के लिए देखेंगे तो थर्ड वाले के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, μ3 - 1 1/-r - 1/∞ हो जाएगा। ठीक है, यही चीज है, हमको इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट होता है 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। तो हमको दिख रहा है μ1 - 1/r, ये माइनस में है तो -μ3 - 1/r जोड़ेंगे तो यहाँ हमको ध्यान से दिख रहा है कि μ1 - μ3/r 1/f इक्विवेलेंट। हमको एफ इक्विवेलेंट निकालना था तो ये बात का ध्यान रखना है कि एफ इक्विवेलेंट जो होगा वो R/μ1 - μ3। ठीक है, तो अगर ऐसे कंबाइंड अगर हमको दिए हो लेंसेस कॉम्बिनेशन में तो उसका हम लोग इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल में होता था वैसा ही फॉर्मूला है, या फिर कैपेसिटेंस जो सीरीज में हुआ करते थे तो वैसा ही ये फॉर्मूला गिवन। पावर के लिए उल्टा हो जा रहा है क्योंकि 1/f जो है पावर है, तो पावर के लिए पावर इज इक्वल टू P1 + P2 + P3, सारे को साइन के साथ ही पुट करना है। यानी कि अगर हम यहाँ पावर लिख रहे हैं तो इसमें भी सबको साइन के साथ पुट करना है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है हमको कि एक लेंस को एक साइड से सिल्वर कर दें, यानी कि लेंस इज सिल्वर्ड फ्रॉम वन साइड। ठीक है, अगर हम एक साइड से सिल्वर कर दे तो क्या होगा, जैसे कि ये हमारे पास एक लेंस है, हम बोल रहे हैं कि इधर से एक साइड से हम पेंट कर दिए। ठीक है, तो जैसे ही हम इधर से ये हम सिल्वर्ड कर दिए, सिल्वर्ड यानी कि पेंट करना, ऐसा अगर हम कर दिए तो हमको क्या मिला कि कॉम्बिनेशन ऑफ एक ऐसा लेंस प्लस एक मिरर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस सरफेस का बोल रहे रेडियस R1 है, इस सरफेस का रेडियस R2 है, तो इसका जो एयर में फोकल लेंथ होगा तो होगा ही, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, कर्वेचर हमको दिख रहा है कि ये R2 है, तो फोकल लेंथ अगर हम लिखेंगे F2 तो यह R2/2 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि हमको क्या दिख रहा है कि अगर कोई लेंस दे रखा हो और लेंस को बोले कि एक साइड से हम पेंट कर दे रहे हैं या सिल्वर कर दे रहे हैं, तो हमको ये दिखना चाहिए कि वो जो चीज दे रखा है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एक लेंस है और एक कर्व सरफेस है, यानी इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस एंड अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे हमारा जो रेडियस है वो दिख रहा है कि कनकेव मिरर बना रहा है।
ठीक है, अगर ऐसा होता, इसमें अगर हम इसको ऐसा प्रिंट कर देते तो ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ अ कनकेव लेंस प्लस अ कन्वेक्स मिरर हमको रिप्रेजेंट करता। ठीक है, तो इस सब केसेस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसा अगर दिया रहेगा तो हम कंबाइंड फोकल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपली है, पावर का सहारा लेंगे, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, यानी कि हमको यहां से एफ इक्विवेलेंट लिखना हो क्या लिखेंगे देखते हैं। यहाँ पे जैसे अगर यहाँ लाइट गया कोई भी, तो यहां से डेविएट होगा, फिर यहाँ आया इधर की तरफ डेविएट होगा, इधर आया फिर इधर की तरफ डेविएट। ठीक है, यानी कि लाइट जो है यहाँ पे कन्वर्ज हुआ, यहाँ कन्वर्ज हुआ, यहाँ पे कन्वर्ज हुआ, तीनों जगह पे कन्वर्ज हुआ है। यानी कि टोटल पावर की अगर हम बात करते, पावर इक्विवेलेंट बात करते, तो जितनी जगह पे कन्वर्ज या डाइवर्ज हुआ है उतनी जगह पे हम पावर को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो रहा है, रिफ्रेक्शन। ठीक है, तो अगर इसका फोकल लेंथ एफ वन है, इस मिरर का फोकल लेंथ एफ टू है, या एफ लेंस बोल रहे हैं, तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, वन बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फिर प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो रहा है कि मिरर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस वन बाई फोकल लेंथ ऑफ मिरर। फिर रिफ्रेक्शन हो रहा है तो वन बाई एफ एल, यानी कि हमको कंबाइंड इक्विवेलेंट क्या मिल रहा है, यानी कि कितने बार जो भी फिनोमेनन हो रहे हैं उस चीज को हम लोग लिखे। ठीक है, यानी कि एफ इक्विवेलेंट अगर हमको निकालना होगा तो हम ये चीज दिख रहा है कि दो बार रिफ्रेक्ट हो रहा है, एक बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। जहां जहां रिफ्रेक्शन है वहां वहां लेंस यूज, जहां जहां रिफ्लेक्शन है वहां पे मिरर यूज, इसलिए पावर ऑफ मिरर यूज कर रहे हैं एक जगह पे और दो जगह पे पावर ऑफ लेंस। तो यहां से हमको एफ इक्विवेलेंट पता चल जाएगा और क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर क्वेश्चन दे, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ओवरऑल हमको मिरर की तरह दिखेगा, यानी कि ओवरऑल इट बिहेव्स एज मिरर, क्योंकि रे जो है आफ्टर ऑल रिफ्लेक्टिव होना है उसको, तो ओवरऑल ये मिरर की तरह बिहेव करेगा। और इसमें हमको ये पावर का साइन देखना पड़ेगा, यानी कि वन बाई एफ इक्विवेलेंट जो कि हम पावर इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, इसका साइन देखना पड़ेगा। साइन अगर पॉजिटिव है तो बोलेंगे कि ये जो वन बाई एफ इक्विवेलेंट का साइन का बात कर रहे हैं, यानी कि पावर का हम सह बात कर रहे हैं। पावर अगर पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग होगा, ठीक है, कन्वर्जिंग यानी कि कनकेव मिरर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कनकेव मिरर, हम जानते हैं कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं पावर को ध्यान में रखने के लिए निगेटिव, तो ये डाइवर्जिंग होगा। ठीक है, डाइवर्जिंग यानी कि कन्वेक्स मिरर। ठीक है, लेंसेस के केस में तो हमको दिक्कत नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मिरर के केस में दिक्कत होगा, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है कि पावर का साइन पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग, नेगेटिव है तो डाइवर्जिंग। क्लियर है? यस सर। ठीक है, दोनों रेडियस है, रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, दोनों आ रही है, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये म्यू जो है वो 3/2, तो एफ इक्विवेलेंट कितना होगा और कैसा नेचर शो करेगा ये बताना।
आ गया। आ गया। हेलो। सरकार ठीक है, क्या करना था इसमें? दोनों का फोकल लेंथ अलग अलग निकालना था। तो हम लेंस का निकालेंगे तो लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करें, उससे हमारा -1/20 आ रहा है। वैसे भी दिख रहा है कि हमको कि एक कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ निगेटिव आएगा, अभी है -1/20। जो मिरर है, मिरर हमको ऐसा दिख रहा है, यानी कि ये जो मिरर है हमारा, ये कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव रहता है, तो हमको यहाँ पे पॉजिटिव आ भी रहा है। R/2 करे तो 10 आ रहा है। तो 1/3 इक्विवेलेंट इसमें साइन के साथ पुट करना है। तो FL जो है निगेटिव है तो निगेटिव रख दिए, FM पॉजिटिव है रख दिए, ये हमको मिल रहा है -1/5। तो F इक्विवेलेंट जो है -5 आ रहा है, लेकिन ये नेचर कैसा है? कन्वेक्स मिरर की तरह। क्यों? क्योंकि पावर निगेटिव है। यहाँ पे साइन में लोग गलतियां करते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। क्या 1/F का जो वैल्यू आ रहा है, पावर साइन जो आ रहा है, वो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, F भले ही यहाँ पे F इक्विवेलेंट का साइन माइनस आया है, और हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि वो कनकेव मिरर है, लेकिन यहाँ पे हमारा -F आने का मतलब हुआ कि वो कन्वेक्स मिरर, यानी माइनस साइन हमको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका पावर जो है वो डाइवर्जिंग नेचर का है, कन्वर्जिंग नेचर का नहीं, निगेटिव है, यानी कि डाइवर्जिंग है। ठीक है, तो इसीलिए हम लास्ट क्लास में ये चीज बताए थे कि पावर को ये हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर कन्वर्जिंग नेचर का है तो पॉजिटिव, डाइवर्जिंग नेचर का है तो निगेटिव। ठीक है, तो ऐसे अगर हमको मिल जाता है कॉम्बिनेशन तो हम इससे आसानी से फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करके। यहाँ ध्यान रहे कि अगर सिर्फ लेंसेस रहेगा तो 1/F1 + 1/F2 + 1/F3 ऐसा चलेगा, लेकिन अगर मिरर आ जाता है तो जितने भी लेंसेस रहेंगे सबका डबल हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं, लेट्स से कि एक ऐसा है, फिर यहाँ पे एक लेंस है और इधर से हम इसको पेंट करते। अगर हम बोले कि इसका फोकल लेंथ F1 है, इसका F2 है, इसका F3 आ रहा है, ठीक है, या FM आ रहा है, तो हम यहाँ से अगर लाइट भेजेंगे तो लाइट यहाँ पे जाते वक्त रिफ्रैक्ट करेगा और आते वक्त भी रिफ्रैक्ट करेगा, यानी दो दो बार दोनों लेंसेज से रिफ्रैक्शन होगा। तो इस केस में अगर हम 1/F इक्विवेलेंट लिखेंगे तो यहाँ से 2/F1 + 2/F2
F2 जो है हम जानते हैं माइनस में आएगा, तो 2 बाई माइनस F2, और ये माइनस यहाँ 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ मिरर. फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो है कन्वेक्स मिरर है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि 2 2 क्यों आ रहा है. ठीक है, 2 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो भी लाइट गया है जाते वक्त रिफ्रेक्ट करा होगा, तो उस समय उसमें कुछ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस आया होगा, फिर आते वक्त भी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस आया होगा. यानी कि ओवरऑल जो हमारा पावर रिप्रेजेंट कर रहा है वो टोटल डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, यानी कि डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग के फॉर्म. ठीक है, इतना बात क्लियर है. ठीक है, तो ये तो था हमारा कि अगर हम मिरर्स ले या लेंसेस को कंबाइन करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, यानी कि हम लोगों ने देखा कि इसको पावर से ही डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं. पावर जो है पॉजिटिव है निगेटिव है, उससे हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा नेचर कैसा है. पावर पॉजिटिव होने का आई का भी है, हम लोग बोलते हैं पावर पॉजिटिव या पावर पॉजिटिव का चश्मा स्पेक्स लगा रहे हैं. तो पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि हम जो लेंस यूज कर रहे हैं उसका नेचर जो है वो कन्वर्जिंग है. नेगेटिव पावर का चश्मा यूज करने का मतलब ये हुआ कि उसका जो नेचर है, यानी कि जो हमने लेंस यूज करा है, वो डाइवर्जिंग नेचर का है. तो प्लस माइनस हमको ये चीज रिप्रेजेंट करता है कि जो भी हम इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करे हैं वो किस नेचर का है, डाइवर्जिंग नेचर का है कि कन्वर्जिंग नेचर का है. ठीक है, इसके बाद छोटा सा टॉपिक है कटिंग ऑफ लेंसेस. तो हम लोग इतना जान गए हैं कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा. अगर हम लेंसेस को कट कर दें तो फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बस वही अगर जान जाए तो क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं. जैसे कि हम एक लेंस ले रखे, इसको हम काट कैसे सकते हैं, तो जनरली हम लोग सिमेट्रिकली ही काटते हैं, बाकी हम कैसे भी काटें काट सकते हैं किसी भी एक्सिस से. लेकिन हमको क्वेश्चन में ये दो एक्सिस दिए जाते हैं कि ये दो एक्सिस से हम लोग कट कर सकते हैं. ये अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस है और ये जो है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि हम बीचों बीच काट रहे हैं, ऐसे दो कट रहे हैं. अगर हम इसके थ्रू काटे तो हमको ऐसा लेंसेस मिलेंगे. ठीक है, ऐसे दो लेंसेस मिलेंगे. ठीक है, अगर इसका फोकल लेंथ एफ था तो इसका भी ना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहा है ना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो इसका भी फोकल लेंथ एफ ही रहेगा, इसका भी फोकल लेंथ एफ ही रहेगा. यानी कि अगर हम यूज करने जाएंगे तो फोकल लेंथ यही रहेगा. अगर इसके अबाउट कट करते हैं तो हमको ऐसे दो लेंसेस मिलेंगे. ठीक है, ऐसे दो लेंसेस हमको मिलेंगे. ठीक है, अब इसका फोकल लेंथ एफ है तो हम लोग जब लेंस मेकर फॉर्मूला फाइंड किए थे तो देखे थे कि इसका फोकल लेंथ 2f और इसका फोकल लेंथ भी 2f है. उल्टा जाके देखते हैं, ठीक है, दोनों हम सेम रेडियस माने हैं, वी आर ये वी आर, तो ऐसा आएगा आर आर अलग रहेगा तो हमको फिर से फाइंड करना पड़ेगा. जनरल मेथड से एक रेडियस ये आर वन हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, वैसे ही हम लोग फाइंड कर सकते हैं. खैर, अगर हम यहाँ से देखें 1/2f, तो अगर हम दोनों को कंबाइंड कर दें तो हमको ऐसा ही मिलता, दो लेंसेस को टच कर दिए. तो इससे हम 1/f इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, तो 1/2f + 1/2f अगर हम फाइंड करते हैं तो ये 2/2f यानी कि हमको 1/f मिल रहा है. यानी कि इन दोनों को कंबाइन करने से फिर हमको ऊपर वाला ही मिल रहा है. तो इस चीज को बस ध्यान रखना है कि अगर हम लेंसेस को कट करते हैं तो इस दो एक्सिस हमको पता है, अगर हम आधा आधा कट कर रहे हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अगर कट कर रहे हैं तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा. लेकिन अगर हम परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कट कर रहे हैं तो फोकल लेंथ डबल हो जाता है. ठीक है ना, तो हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को चेंज किए हैं. ऐसा कब ये डबल हो जाएगा, जब दोनों का रेडियस हम सेम माने हैं तब.
रेडियस अलग अलग होता तो ये आर वन होता, ये आर टू होता, तब हम एफ वन एफ टू लिख रहे होते, ठीक है। और जो भी एफ वन एफ टू आएगा उन दोनों का अगर हम इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो फिर से ऊपर वाला ही केस आना है, तो ये चीज को ध्यान में रखना है। इसके बाद है नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करेंगे किसी भी एक लेंस की बात करें तो, ठीक है। तो लेंस है हमारा, मान लेते हैं कि एक लेंस है, यह प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो हम ये जानते हैं कि इस लेंस से जो हमारा इमेज बनेगा वो एक ही बनेगा। अब लेट से आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, यस सर, हेलो, यस सर। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इमेज का देखना है इसमें, तो अगर ये हमारा लेंस है एक ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से बना है तो हम आज तक यही पढ़ते हैं कि सिर्फ एक इमेज बनेगा। अब लेट से कि ऊपर वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ और है, ठीक है, और ये नीचे वाला जो है ये कुछ और है, म्यू टू है, दो दो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से बना है, तो ऊपर वाले के लिए फोकल लेंथ अलग होगा, नीचे वाले के लिए फोकल लेंथ अलग होगा, भले ही रेडियस सेम है लेकिन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो हम जानते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला म्यू माइनस वन इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू होता है, तो आर वन आर टू सेम है तो ठीक रहेगा, लेकिन म्यू वाले टर्म में अलग अलग फोकल लेंथ हो, यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर यहां से रह गया हो सकता है इधर की तरफ कन्वर्ज कर, ठीक है, लेकिन इसे रह गया तो हो सकता है पहले ही ऐसा कन्वर्ज कर जाए, तो इस केस में दो दो हमको इमेजेस दिख रहे हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम ऐसा लिया हुआ है, लेट से कि हम इतने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बना दिए, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से उतने नंबर ऑफ फोकस होगा, तो यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा तो जितने नंबर ऑफ इंडेक्सेस हैं उतने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इमेज की बात करें तो सिक्स बनेगा, यानी कि जितना भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उतना नंबर ऑफ इमेज, ठीक है, ये आसानी से हम लोग कह सकते हैं। Different mu, different image will form. ऐसा रहे तो फिर आ सकता है कि also हमको ऐसा system दे दे, बोले कि इधर mu वन है इधर mu टू है, ठीक है, अगर ऐसा दिया है कि इधर mu वन है और इधर की तरफ mu टू है, तो हम जानते हैं जब ऐसा रखे हुए हैं तो इसका हम कंबाइंड 1 बाई एफ इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, तो 1 बाई एफ वन प्लस 1 बाई एफ टू से फाइंड कर सकते हैं, तो यहां से हमको क्या मिल रहा है, सिंगल फोकल लेंथ मिल रहा है, दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको सिंगल फोकल लेंथ मिल रहा है, सिंगल फोकल लेंथ, तो ऐसे में हम कितने भी रख दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इमेज जो फॉर्म करेगा वो सिंगल इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, यानी कि हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग कर रहे हैं, किस केसेस में कर रहे हैं, तो वैसे हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी आता है कि आधा पोर्शन ढक दिए तो क्या होगा, तो अगर हम आधे पोर्शन को ढक देंगे तो इमेज तो फॉर्म करेगा लेकिन लाइट जितना पहले जा रहा था उतना अब नहीं जा रहा होगा आफ्टर रिफ्रेक्शन, यानी कि इमेज का जो क्वालिटी होगा वो थोड़ा डल हो जाएगा, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होगा वो घट जाएगा। ये सब जनरल नॉलेज की बातें हैं, ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है, ये हो गया।
ठीक है, ये बात भी छोटी सी बात है, हम लोग चाहें तो याद रखें, ठीक है, या फिर जनरली याद ही रहता है कि अगर हम एक मिरर है उसको एयर में मान लेते हैं फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, वाटर में रख देंगे तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा बताओ? सर आवाज नहीं आ रहा था, कट गया था। बोल रहे हैं कि अगर कोई मिरर है, ठीक है, कनकेव या कन्वेक्स, उसका फोकल लेंथ एयर में 10 सेंटीमीटर है, तो वाटर में कितना होगा? 10 ही होगा। 10 नहीं होगा, क्योंकि हम मीडियम चेंज करने से उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम लेंसेस को एयर में बोले कि दूसरा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, वाटर में पुट करेंगे तो सेम रहेगा या अलग रहेगा फोकल लेंथ? लेंस का तो वही रहेगा। जैसे कहने का मतलब है कि लेंस एयर में है, ठीक है, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, तो इसका फोकल लेंथ हम बोल रहे हैं एफ ओ है, एफ एयर बोल देते हैं। अब इसको हम किसी मीडियम में डाल दिए, यानी कि लेट से कि वाटर है, इसमें अब इसका फोकल लेंथ सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट रहेगा, क्योंकि जो हम नॉट इक्वल टू एफ ओ रहेगा, ठीक है, यानी कि डिफरेंट रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि 1/F था, म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1 × 1/R1 − 1/R2। हम मीडियम चेंज कर रहे हैं तो ये वाला टर्म तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये वाला चीज चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट रह रहा है, ये अगर हम मीडियम में किसी मीडियम में डाल दे रहे हैं तो ये कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन ये वेरिएबल हो जा रहा है, ठीक है, ये वेरी कर रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल, यानी कि फोकल लेंथ फिर वेरी करेगा लेंसेस के केस में, लेकिन मिरर के केस में वो सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद है एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, स्कूल्स में इस एक्सपेरिमेंट को कराया जाता, अगर खुला रहता तो हम उस चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेथड कहा जाता है, ठीक है, ये सिर्फ कनकेव कन्वेक्स लेंस के लिए होता है, ठीक है, ओनली फॉर कन्वेक्स लेंस यूज टू फाइंड फोकल लेंथ, ठीक है, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, स्कूल्स में ये एक्सपेरिमेंट फिक्स रहता है कि लोग कराते ही कराते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन, तुम बताओ, हमारे पास एक ऐसा कन्वेक्स लेंस है, ये एफ हो गया, ये 2F हो गया, उसी के करस्पॉन्डिंग इधर एफ और 2F बोल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखे हैं, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ फॉर्म करेगा बोलो? तो सुधांशु, हेलो, सर आवाज ठीक से नहीं आ रहा। बोल रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हम इधर 2F पे रखे हैं तो इमेज कहाँ फॉर्म करेगा? करेगा सेम साइज, सेम क्या बोलते हैं, सेम साइज का करेगा और 2F पे ही करेगा, ठीक है, ये हमारा इमेज हो जाएगा, क्लियर है।
अगर हम ये डिस्टेंस की बात करें टोटल यहाँ से यहाँ, तो ये डिस्टेंस हमको दिख रहा है कि ये 4f है, क्लियर है? यानी कि यहां से हमको ये दिख रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज 4f है, और यहाँ पे हम जानते हैं कि जो इमेज फॉर्म करा है वो इमेज जो है वो रियल है, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट है, इतना 4f डिस्टेंस पे है, ठीक है। और भी केसेस करते हैं रियल इमेज के लिए, ठीक है, वर्चुअल इमेज की हम बात नहीं कर रहे हैं, ओनली फॉर रियल इमेज, ठीक है, एक्सपेरिमेंट रियल इमेज के लिए ही है। तो अब केस वन करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड बाय एक्स, ठीक है, हम एक्स से डिस्प्लेस कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट, ठीक है, राइट में अगर हम एक्स से डिस्प्लेस करेंगे तो इमेज का बताओ किधर जाएगा, टू एफ बार बार जाए यही जाएगा, 2f से राइट की तरफ। अच्छा एक्स और वाई में रिलेशन बता सकते हो, एक्स और वाई में रिलेशन क्या होगा, बराबर होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, यानी कि हम यही कर रहे हैं कि इसको अगर हम इधर एक्स डिस्प्लेस करेंगे तो ये इधर वाई डिस्प्लेस होगा, ठीक है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे तो इमेज जो हमारा यहाँ कहीं आ जाएगा। तो इस एक्स और वाई में रिलेशन कौन ज्यादा होगा, ज्यादा वाई ज्यादा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं 2f से f तक लाएंगे तो इमेज 2f से इंफिनिटी तक भाग जा रहा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमको दिख रहा है कि वाई जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। वाई अगर ज्यादा है तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसको हम डी, यानी कि इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डी कैपिटल डी से, दिस इंप्लाइज दैट कि डी जो है यहाँ पे ग्रेटर देन क्या है, 4f है, ठीक है, 4f से ज्यादा है। वैसे ही केस टू, यानी कि एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड नहीं है, बस ये चीज समझने के लिए, ठीक, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड लेफ्ट बाई एक्स, ठीक है, लेफ्ट में एक्स कर रहे हैं तो इमेज किधर डिस्प्लेस होगा, बोलो, पहले जहां था वहां से, लो यही होगा, क्वेश्चन नहीं सुना। ठीक है। हम वही कह रहे हैं कि 2f पे ऑब्जेक्ट था, यानी कि जो इनिशियल सिचुएशन हम लोगों ने डिस्कस करा था कि ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी 2f पे है। नाउ अब हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट यानी कि इस डायरेक्शन में हम x डिस्प्लेस कर दे रहे हैं तो इमेज किधर डिस्प्लेस होगा, बोलो, लेफ्ट लेफ्ट से वाई। अब इस एक्स वाई में रिलेशन क्या होगा, फिर एक्स बड़ा होगा। एक्स बड़ा होगा, यानी कि फिर से अगर हम एक्स ज्यादा है, दोनों बराबर होता तो 4f होता जितने इसको डिस्प्लेस किए हैं, तो यहां से अगर देखें तो फिर से इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का दूरी ग्रेटर देन 4f है। तो ये जो है इस एक्सपेरिमेंट का बेसिक जो है कंडीशन है। बेसिक कंडीशन कहने का मतलब कि अगर हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट है और हम रियल इमेज बनाना चाह रहे हैं तो जो हमारा डिस्टेंस होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4f होना चाहिए, उससे कम रखेंगे तो हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बनेगा, तो हम ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें हमको रियल
इमेज का रिक्वायरमेंट होता है। हाँ, इसका रिवर्स सही नहीं है, ठीक है। रिवर्स जो है कि अगर ग्रेटर देन 4f हो तो रियल इमेज बने, ऐसा सही नहीं है, जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो जो हमारा इमेज बनेगा वो रियल बनेगा। तो ये मिनिमम कंडीशन होता है। हम लोग आगे अगर मैथमेटिकली जाते हैं तो उससे भी सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगा, ठीक है। ऑल्सो इफ डी इज ग्रेटर देन 4f, अगर ऐसा रहा तो देयर विल बी टू पोजिशंस, to form image at same location. ठीक है, अगर ये ज्यादा रहता है तो there will be two position, अगर greater than रहा तो equal रहा तो same एक ही रहेगा, वो है 2f। लेकिन अगर greater than 4f है तो हम लोग दो पोजीशन से सेम पोजीशन पे इमेज बना सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को दो जगह पे रखें, इमेज एक ही जगह पे बने। कैसे? इस एक्सपेरिमेंट का यही थीम है, तो इसलिए इस बात को समझ लें। जैसे कि ये एफ है, यहाँ पे 2f है, इधर भी उसके करस्पॉन्डिंग एफ 2f डैस, ठीक है। लेट से कि अगर हम यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे हों, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां से ये यू दूरी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा? इधर कहीं, इसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनेगा वो इधर कहीं यहाँ पे भी दूरी पे बनेगा। क्लियर है इतना? हेलो yes, ठीक है। अब ध्यान से सुनो कि हम जो ऑब्जेक्ट को है, अब यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट है लेकिन दूरी क्या है? भी है। इसका इमेज कहाँ बनेगा? इधर कहीं, ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक का? यू होगा। ध्यान से सोच के बोलो, जब हम U पे रखे हैं तो V पे बना है, ठीक है। हम जानते हैं कि रे जो है अपना पाथ को रिट्रेस करता है अगर डायरेक्शन चेंज कर दे तो वही चीज कर रहे हैं कि जहां पे इमेज बना था पहले केस में वहां ऑब्जेक्ट रख दिए हैं, तो जहां पे ऑब्जेक्ट था वहां इमेज बनेगा। यानी कि अगर हम U पे रखे हैं तो V पे बन रहा है, तो V पे रखे हैं तो U पे बनेगा। यानी कि हमको दो पोजिशन पे ऐसा दिख रहा है। अगर हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम इस सिर्फ लेंस को डिस्प्लेस करते तो एक ही पोजीशन से हम दो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए सिंगल पोजीशन पे हम लोग इमेज पता कर सकते थे। यहाँ पे हम बोल रहे हैं बाय डिस्प्लेसिंग लेंस, यानी कि हम लेंस को मूव करें तो, ठीक है। यानी कि यही जो हम लोगों ने पढ़ा, यहां से हमको क्या मिला कि रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनने के लिए और दो पोजीशन से होने के लिए जो डी बोल रहे हैं, डी यानी कैपिटल डी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज ग्रेटर देन 4f होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे दो दो पोजीशन हो सकते हैं, यानी कि यू और भी इंटरचेंजेबल रहेगा। अगर इतना बात समझ में आ गया तो हमारा एक्सपेरिमेंट अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है कि यहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों फिक्स्ड होते हैं, यानी कि इन दोनों को हम लोग चेंज नहीं करते हैं। यह ऑब्जेक्ट प्लेन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है इसी प्लेन पे, मान लेते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो बन रहा है वो यहाँ पे ऐसा इमेज बन रहा है, ठीक है। ना हम ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे ना ही इमेज को, ये दोनों क्या है? फिक्स्ड है।
ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, इन दोनों को हमको मूव नहीं करना है। अब लेट से कि यहाँ पे हमने एक लेंस को रखा है, ये पोजीशन वन बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे रखे हैं तो ये हमारे लिए यू का काम करेगा, ये हमारे लिए वी का काम करेगा, ठीक है, यहाँ पे इमेज वन। अब हम इसको डिस्प्लेस कर दिए, यानी कि यहां से हमने इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया, प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड किए, तो यहाँ पे नया पोजीशन यानी कि सेकेंड पोजीशन हम बोल रहे हैं, इस पोजीशन के लिए भी हमारा सेम चीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये यह कब हो सकता है, जब ये डिस्टेंस क्या हो जाए वी, और ये डिस्टेंस क्या हो जाए यू, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम इसको कैपिटल डी बोल रहे हैं, तो डी इज इक्वल टू है यू प्लस वी, यहाँ से एक इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज है, तो हम इसको यहाँ डिस्प्लेस करें हैं, ये बात ध्यान रखना है, दो दो लेंसेस नहीं है, ये पोजीशन वन है, ये पोजीशन टू है, हम लेंस को ही डिस्प्लेस कर रहे हैं बाय डिस्टेंस एक्स, इतना बात ध्यान है। और हमने देखा कि अगर यू दूरी पे है, लेंस से यू दूरी पे ऑब्जेक्ट है, तो भी दूरी पे इमेज बन रहा है, तो अगर लेंस से ऑब्जेक्ट भी दूरी पे होगा तो यू दूरी पे इमेज बनेगा, ठीक है, और किसी पोजीशन के लिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज उस प्लेन मिरर, हाँ जो प्लेन है, इमेज प्लेन जो बोल रहे हैं उस पे नहीं बनेगा। तो ऐसे सिचुएशन होने के लिए ये दो केसेस होने जरूरी हैं। तो यहां से हमको दिख रहा है कि डी इज इक्वल टू यू प्लस वी है। वैसे ही एक्स की बात करें फिगर से, तो एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो बताओ, यहां से अगर एक्स की देखें तो इस भी में से इस यू को हटा दें तो भी माइनस यू हमको एक्स दिख रहा है, हमको फोकल लेंथ चाहिए तो यू भी चाहिए, एक्स और डी अगर हमको पता है तो हम यहां से फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमको टू वी इजकल टू एक्स प्लस डी मिल रहा है, यानी कि वी इजकल टू डी प्लस एक्स बाई टू मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दें तो यू मिल जाएगा डी माइनस एक्स बाई टू, यू और भी पता है तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं ऑल्सो वन बाई एफ इजकल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू, इस दोनों का वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा टू बाई डी प्लस एक्स डी माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा सॉल्व करो कितना आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू डी माइनस एक्स प्लस डी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू डी माइनस एक्स, ठीक है, तो ये चीज आ रहा है, ठीक है, का फॉर्मूला डी और एक्स अगर हमको पता है तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d। छोड़ो इसको रहने दो, क्लियर है, तो ये चीज एक्सपेरिमेंट जो है स्कूल्स में कराया जाता है, लेकिन इस बार स्कूल ही नहीं चल रहा है तो एक्सपेरिमेंट कहाँ से होगा, तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें ये चीज होता है, क्लियर है ये प्रैक्टिकल वाला क्या। हाँ प्रैक्टिकल कराया जाता है इसका, ये डी और ये हम लोग डिस्प्लेस करके चेक करते हैं, फिर इस फॉर्मूले से फोकल लेंथ फाइंड करते हैं, ठीक है, इसका कंसेप्ट यही है कि दो रियल इमेज फॉर्म करने के लिए जो डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट जिसको हम कैपिटल डी बोल रहे हैं वो ग्रेटर देन 4f होगा, अगर इक्वल टू 4f हो जाता है तो सिंगल इमेज बनता है, ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े
नहीं पढ़े होगे, वहां से इस चीज को सॉल्व करके बाद देखोगे। और डी वाला डिस्क्रिमिनेंट वाला कंसेप्ट पता है क्या? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होगा तो टू सॉल्यूशंस। यस सर। ठीक है, तो यहां से देखोगे तो ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनता हुआ दिख रहा है। तो सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने से ऊपर वाला इक्वेशन हमको मिलता है कि अगर ग्रेटर देन 4f रहा तो टू सॉल्यूशन यानी दो पोजीशन मिलेगा, अगर लेस इक्वल टू 1 रहा तो एक पोजीशन, लेस देन अगर 4f रहा तो नो सॉल्यूशन, यानी कि फोकल लेंथ का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद है एबरेशंस, ऑप्टिकल एबरेशंस। ठीक है, एबरेशंस जो होते हैं डिफेक्ट को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एबरेशंस का मतलब हुआ डिफेक्ट। तो ऑप्टिकल एबरेशंस क्या क्या हो सकते हैं? तो ऑप्टिकल एबरेशंस में हम लोग अगर टाइप की बात करें तो दो तरह के पढ़ते हैं, एक स्फेरिकल और एक हम लोग पढ़ते हैं ये क्रोमेटिक। ठीक है, क्रोमेटिक का वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी से लेना देता होता है स्फेरिकल। देखते हैं क्या होता है दोनों के करके स्फेरिकल एबरेशन। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक लेंस है। ठीक है, हम जानते हैं कि लेंस है तो हमने आज तक यही पढ़ा है, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो पैरेक्सियल के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमको रेज जो मिले वो पैरेक्सियल रेज ही मिले, मार्जिनल भी मिल सकते हैं। तो मार्जिनल मिल सकते हैं तो हम जानते हैं कि पैरेक्सियल तो एफ पे मीट करेगा, लेकिन मार्जिनल जो है उससे आइट साइड ऐसा कुछ मीट कर सकता है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो इमेजेस बन रहे हैं, इमेजेस सेवरल इमेजेस, ठीक है, सेवरल इमेजेस बन रहे हैं ड्यू टू ये मार्जिनल रेज, क्योंकि मार्जिनल रेज जो है वो जो भी हम लोग लॉ पढ़े हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं। वैसे ही अगर हम कनकेव मिरर की भी बात करें तो उसमें भी यही केस होता है। हम लोगों ने शुरू में देखा था कि अगर 60 डिग्री पे ले जाए तो इधर से भी पास करेगा। ठीक है, जितना नजदीक रहता है उतना ही फोकस से पास करता है, नहीं तो ऐसा फैला हुआ रहता है। तो ये जो एबरेशन है इसको बोलते हैं हम लोग स्फेरिकल एबरेशन। यानी कि स्फेरिकल मार्जिन होने का रीजन क्या है? मार्जिनल रेज, क्योंकि हम लोग इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मार्जिनल रेज यानी कि जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा दूरी पे हो उसको मार्जिनल रेज कहते हैं, जो बहुत करीब हो उसको पैरेक्सियल रेज। हम लोग जो भी चीज पढ़े हैं पैरेक्सियल के लिए, लेकिन मार्जिनल भी है तो एक जगह पे फोकस नहीं करता है, तो ये डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। करेक्शन, इसका करेक्शन कैसे कर सकते हैं? तो करेक्शन करने के लिए हम लोग सेवरल यानी कि मार्जिनल रेज को हटा दें तो हमारा करेक्शन हो जाएगा। पहला यूज ऑफ स्टॉप, स्टॉप यूज कर दें। स्टॉप यूज करने का मतलब ये हुआ, लेट से ऐसे हमारे रेज आ रहे थे, ठीक है, दूर वाले मार्जिनल है नजदीक वाले, हम अगर यहाँ पे एक ऐसा कार्डबोर्ड लगा दें, ठीक है, लेट से कि हम यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लगा दें जहाँ यहाँ पे सिर्फ ओपन है बाकी सब ये ओपेक है, ओपेक है, तो जो भी रेज पास करेगा सिर्फ यहाँ से ही रेज पास करेगा, बाकी कोई रेज पास नहीं करेगा। तो इससे जो इमेज बनेगा वो हमारा सिर्फ पैरेक्सियल रेज से बनेगा, तो डिफेक्ट कम हो जाए। ठीक है, तो ये यूज ऑफ स्टॉप हुआ। सेकेंड, यूजिंग पैराबोलिक, मिरर्स,
ठीक है, पैराबोलिक मिरर्स यूज कर ले। जैसे देखे होगे कि टॉर्च में जब हम टॉर्च का आगे की लाइट की बात करते हैं तो उसका शेप जो होता है ऐसा होता है, स्फेरिकल नहीं होके कैसा शेप होता है, पैराबोलिक शेप होता है। ठीक है, ये कैसा शेप होता है, पैराबोलिक। देखे होगे हेडलाइट भी हो गया बाइक का, कार का, ये सब का, तो भी ऐसा पैराबोलिक होता है, पूरा स्फेरिकल नहीं होता है। स्फेरिकल नहीं होने का मतलब रीजन यही है कि यहाँ से पैराबोलिक है तो सारे रेज जो आ रहे हैं वो सबके लिए फोकल लेंथ अलग अलग आएगा और वो सारे एक जगह पे ऐसा कन्वर्ज करते हैं, या फिर यहाँ पे बल लगा दे तो रेज पैरेलल ही निकल के जाएंगे। हम लोग ये चीज करते हैं कि पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं, या फिर यूज ऑफ स्टॉप करते हैं, या फिर एक कन्वेक्स लेंस भी यूज कर लेते हैं। थर्ड, यूज ऑफ एक्स्ट्रा कन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक एक्स्ट्रा कन्वेक्स लेंस यूज कर ले। जैसे कि यहाँ पे हम लेंस, इस हम मिरर के लिए हमको फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करना है, तो एक लेंस लगा दी। अब यहाँ पे अगर जो रेज आ रहे हैं तो जो पैरेक्सियल है वो तो पैरेक्सियल है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये भी जो है यहाँ पे मिरर के लिए हमको दिख रहा है कि नजदीक नजदीक आ जा रहे हैं, यानी कन्वर्ज हो जा रहे हैं, कन्वर्ज हो जा रहे हैं, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पास में आ जा रहे हैं, यानी कि पैरेक्सियल हो जा रहे हैं। तो स्फेरिकल एवरेशन जो है मार्जिनल रेज से है। अगर हम किसी भी मेथड से मार्जिनल रेज को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा करेक्शन हो गया। ठीक है, सेकेंड क्रोमेटिक, ठीक है, क्रोमेटिक एबरेशन जो है, जैसे हम जानते हैं कि अगर एक प्रिज्म है इससे अगर हम व्हाइट लाइट पास करें तो ये व्हाइट लाइट जो है 7 कलर्स में डेविएट करता है। तो वैसे ही अगर हमारे पास लेंस है, यहां से अगर व्हाइट लाइट जा रहा है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि व्हाइट लाइट अगर जा रहा है तो ये म्यू इसका जो होता है वो डिपेंड करता है हमारा लेमडा पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है, ये व्हाइट लाइट है। ठीक है, व्हाइट लाइट के लिए अगर हम देखें तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है, तो ये जो व्हाइट लाइट है एक जगह पे फोकस नहीं करेगा। ठीक है, ये जो फोकस्ड है ये बहुत जगहों पे करेगा, यानी कि म्यू जिसका ज्यादा है ज्यादा डेविएट करेगा तो वायलेट से रेड तक, यानी कि यहाँ पे जो हमारे इमेजेस बनेंगे वो शार्प नहीं बनेंगे, हर कलर के बनेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमेटिक एवरेशंस, यानी कि इमेज ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, ये जो है ये रिफ्लेक्शन में नहीं होता है, ओनली इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन के केस में ही होता है, तो इसको अगर हमको सुधारना है तो फॉर करेक्शन हम लोग जो मटेरियल रे यूज करते हैं वो सिंगल कलर का रे यूज करें, रेड ग्रीन ऐसा यूज करें, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर है, या फिर ऐसा मटेरियल का हमारा प्रिज्म या लेंस बना हो जो ज्यादा म्यू डेविएशन नहीं शो कर रहा हो। ठीक है, ठीक है, मोस्टली सिंगल कलर यूज करते हैं, रेड यूज करें जो भी यूज करें, और मटेरियल शुड बी मेड ऑफ सच दैट इट नॉट शो वेरिएशन। ठीक है, लेमडा से ज्यादा वेरिएशन शो ना करे, वैसे वेवलेंथ यूज करें या फिर एक ही कलर का, तो ऊपर वाला ज्यादा बेहतर है क्योंकि ऐसा मटेरियल बनाना बहुत ही मुश्किल है। एक फ्लिंट कहा जाता है, फ्लिंट ग्लास, वो लगभग यूज किया जाता है इस पर्पस के लिए।
ठीक है, ये दोनों एब्रेशंस बात समझ में आए? हेलो, हेलो, यस सर आ गया। ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग का एक टॉपिक और बच गया है, वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है, वो सब चीजें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो चीज देखेंगे, ठीक है? सर आप नेटवर्क का कुछ कीजिए। ठीक है, देखते हैं आज। ठीक है फिर, आज के लिए तो